टेंसर एनालिसिस की ये सीरीज हमारी चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो टेंसर एनालिसिस के क्वेश्चंस या टेंसर कैलकुलस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है उससे रिलेटेड थ्योरी का पार्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑफ टेंसर्स किया था आज इस लेक्चर के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के टेंसर्स के प्रॉपर्टीज़ और उनकी डेफिनेशनस के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टेंसर सिमेट्रिक टेंसर क्या होगा ठीक है कोई भी टेंसर है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा और फिर सिमेट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा जो पढ़ेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ठीक है तो कोई भी टेंसर है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं तो सबसे पहले सिमेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक टेंसर के लिए क्या करना है कोई भी टेंसर सिमेट्रिक कब कहलाएगा ठीक है ए टेंसर ठीक है सिमेट्रिक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा देता हूं आपको सिमेट्रिक आपको किसमें देखना है किसी भी टेंसर को सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना है आइदर टू कॉन्ट्रावेरियंट इंडिसेस इंडिसेस और टू कोवेरियंट इंडिसेस ठीक है तो टेंसर को सिमेट्रिक देखने के लिए या तो हम दो क्या लेते हैं कॉन्ट्रावेरियंट इंडिसेज लेंगे या फिर दोनों क्या लेंगे कोवेरियंट इंडिसेज ध्यान रहे आपको टेंसर को कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि एक तो कॉन्ट्रावेरियंट इंडेक्स ले ली और एक उसकी कोवेरियंट इंडेक्स ले ली उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक डिफाइन नहीं होगा सिमेट्रिक डिफाइन करने के लिए या तो दोनों इंडिसेज कोवेरियंट होनी चाहिए या फिर दोनों ही इंडिसेज क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रावेरियंट होनी चाहिए पहली चीज तो यही है अब डेफिनेशन आती है डेफिनेशन इस तरह से लिख दिया मैंने ए आई जे इक्वल टू ए जे आई ए आई जे इक्वल टू जे आई तब हम कहते हैं टेंसर इज सिमेट्रिक टेंसर इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू इंडिसेस आई एंड जे विद रेस्पेक्ट टू इंडिसेस आई एंड जे ठीक है तो यहां पर सिमेट्रिक टेंसर मैंने डिफाइन कर दिया क्योंकि दोनों इंडेक्स क्या है कोवेरियंट इंडेक्स है सिमेट्रिक डिफाइन करने के लिए दोनों, को या तो होना या फिर दोनों को आप इंटरचेंज करो और टेंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेंसर की वैल्यू पर उस केस में टेंसर क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिक कहलाएगा ठीक है तो ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे जैसे मैंने ये लिख दिया ए आई जे के इक्वल टू ए आई के जे ए आई के जे अब मैं क्या लिखूंगा ए आई जे के इज सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू and K एंड के विद रेस्पेक्ट टू and के ठीक है तो आप देख सकते हो जे और के इंडीसेज को मैंने क्या किया यहां पर इंटरचेंज और वैल्यू आ रही है वापस इसलिए ये टेंसर जे और के में सिमेट्रिक है अब आई और जे में सिमेट्रिक नहीं कह सकते आप इसको ठीक है या बाकी इंडिसेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते अगर कोई भी टेंसर सभी इंडिसेज में सिमेट्रिक है तब उस टेंसर को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक इफ ए टेंसर इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिस विद रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिसेज लेकिन ये ध्यान रहे आइर कोवेरियंट आई दर कोवेरियंट और कॉन्ट्रावेरियंट जो इंडेक्स है वो या तो कोवेरियंट होनी चाहिए या कॉन्ट्रावेरियंट होनी चाहिए ठीक है तो कोई भी टेंसर है अगर सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिसेज देन इट इज कोल्ड देन इट इज कोल्ड सिमेट्रिक टेंसर देन इट इज कोल्ड सिमेट्रिक टेंसर ठीक है तो अगर सभी इंडिसेज में सिमेट्रिक है तब आप केवल सिमेट्रिक टेंसर भी कह सकते हो साथ में इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि ये टेंसर सिमेट्रिक है अगर मैं ये कहूं कि ए आई जे के सिमेट्रिक है केवल इतना बोल रहा हूं, इसका मतलब ए आई जे के आई और जे में भी सिमेट्रिक है आई और के में भी सिमेट्रिक है जे और के में भी सिमेट्रिक है ठीक है ये और साथ में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली दो इंडिसेज तो फिर उन केवल उन दो इंडेक्स के रेस्पेक्ट में टेंसर क्या है सिमेट्रिक बाकी के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते अब आता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स नंबर ऑफ एटमोस्ट एटमोस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स

ए आई जे अगर ये सिमेट्रिक है तो ए आई जे इक्वल टू किसके होगा ए जे आई के ये ये टेंसर दे रखा है सेकंड ऑर्डर और साथ में लिख देता हूं मैं इन वी एन एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर तो एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर अगर कोई सिमेट्रिक टेंसर है जिसका second, दो ऑर्डर है ठीक है कोवेरियंट सिमेट्रिक टेंसर सेकेंड ऑर्डर का तो ये है कि इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे कितने अधिक से अधिक कितने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे ये आपको फाइंड करना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं अगर एन डायमेंशनल स्पेस में ए आई जे के कंपोनेंट्स आप लिखो तो इस तरह के बनेंगे ए वन वन ए वन टू अपू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू एन एंड सोन ए एन वन ए एन टू ए एन एन ये कंपोनेंट्स हो गए ये डायगोनल के कंपोनेंट्स हो गए डायगोनल पर तो कितने आ रहे हैं एन इनके बारे में नहीं पता आपको तो इनको मैं अधिक से अधिक डिस्टिंक्ट मान लेता हूँ कि डिफरेंट हैं सारे तो ये तो मैंने n मान ली बाकी आपको पता है a12 किसके इक्वल होगा a21 के क्योंकि सिमेट्रिक दिया हुआ है a1n किसके इक्वल होगा an1 के a2n किसके इक्वल होगा an2 के यानी इधर वाले सारे कंपोनेंट्स इधर रिपीट हो रहे हैं तो जब डिफरेंट की बात करें ठीक है टोटल कंपोनेंट कितने हैं इसके अंदर n2 n2 एन स्क्वायर में से डायगोनल वाले मैंने निकाल दिए तो एन स्क्वायर माइनस एन बचे ठीक है डायगोनल वाले कंपोनेंट अगर निकाल दो तो कितने कंपोनेंट है एन स्क्वायर माइनस एन और जब डिफरेंट की आप बात करें तो आधे काउंट करोगे आप क्योंकि आधे तो रिपीट तो हो रहे हैं इसलिए अपोन क्या कर दिया मैंने टू तो यहां से क्या बनेगा मेरे पास एन इन टू एन प्लस वन बाई टू विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ तो एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर अगर सेकेंड ऑर्डर का कोई भी कोवेरियंट सिमेट्रिक टेंसर दिया हुआ है तब उसके इट मोस्ट अधिक से अधिक कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनेंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू बनेंगे इसी तरह से अगर ये टेंसर दिया हुआ है आपको ए आई जे के इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आई एंड जे विद रेस्पेक्ट टू आई एंड जे इन वी एन इन वी एन तो इसके एटमोस्ट एटमोस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे एट मोस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स इक्वल टू तो अधिक से अधिक कितने डिफरेंट कंपोनेट इसके बनेंगे ध्यान रहे आपको ए आई जे के आई और जे में तो अब इस तरह से मैं करूंगा, देखो के तो 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 और में में है है दो ये फॉर्मूला अभी निकाला है मैंने और तीसरी इंडेक्स क्या बची मेरे पास के तो K के लिए कितने चॉइस है मेरे पास एन डायमेंशनल स्पेस में एन चॉइस तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम एन से तो इक्वल टू किसके आएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई टू ठीक है तो इतने डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे अगर ये टेंसर किसके अंदर आई और जे के अंदर क्या दिया हुआ है सिमेट्रिक दिया हुआ है ठीक है तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ठीक है तो सेकेंड में लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ट्रिक ठीक है अगेन स्क्यू सिमेट्रिक में भी हमें क्या ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर या तो दोनों कॉन्ट्रावेरियंट इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बनेगा या फिर दोनों कोवेरियंट इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बनेगा जैसे सीमेट्रिक में बनता है ठीक है आइदर कोवेरियंट इंडिस के रेस्पेक्ट में या फिर कॉन्ट्रावेरियंट इंडिस के रेस्पेक्ट में तो इसकी डेफिनेशन क्या है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई ठीक है ए आई जे इक्वल टू अगर सेकेंड ऑर्डर का टेंसर मैं लूं यानी कि दो इंडेक्स को मैंने अगर इंटरचेंज किया तो यहां पर माइनस का साइन आ गया तब ये टेंसर क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आई एंड जे आई एंड जी तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करोगे किन्नी भी दो इंडिसेज के रेस्पेक्ट में कोई टेंसर इस क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उन दो इंडिसेज को इंटरचेंज करने पर टेंसर का साइन चेंज हो जाए ठीक है जैसे यहां पर हो रहा है अब मैं इसमें भी अगर वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लिखना चाहूं नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटमोस्ट एटमोस्ट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे ऑफ ए आई जे इन वी एन और जहां ए आई जे क्या दे रखा है आपको स्क्यू सिमेट्रिक ए आई जे इज प्रोवाइडेड स्क्यू सिमेट्रिक तो Aij अगर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके एन डायमेंशनल स्पेस में अधिक से अधिक कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसकी लिस्ट बनाएंगे तो ए वन वन ए वन टू ए वन एन इसी तरह से ए टू वन ए टू टू ए टू एन एंड सोन ए एन वन ए एन टू ए एन एन अब ये आपको दिया हुआ है कि इस सिमेट्रिक है तो ए आई जे इक्वल टू किसके होगा ए जे आई के डायगोनल पर क्या होगा डायगोनल पर आई इक्वल टू जे रख सकते हो डायगोनल पर i इक्वल टू किसके होगा जे के तो क्या बनेगा ए आई आई इक्वल टू ये माइनस है माइनस ए आई आई यानी कि डायगोनल वाले तो सारे कंपोनेंट क्या बन गए आपके जीरो कितने बचे टोटल कंपोनेंट कितने एन स्क्वायर डायगोनल वाले हट गए जीरो बन गए तो एन स्क्वायर माइनस एन कंपोनेंट बचे इन में से इंडिपेंडेंट कितने हैं? आपको पता है कि Aij equal to अगर minus Aji लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिपेंडेंट हो हो रहे हैं। क्योंकि आप ये तो लिखते A equal to अगर B लिखा हुआ है, तब A और B एक दूसरे पर डिपेंडेंट कहलाते हैं। तो यहां से ये मिल रहा है तरफ वाले कंपोनेंट केवल काउंट होंगे इसलिए इसका क्या करेंगे हाफ करेंगे तो इतने एट मोस्ट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन बाई टू और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एन सी टू क्या लिख सकता हूं मैं एन सी टू ठीक है तो अगर सेकंड ऑर्डर का कोई भी कोवेरियंट इसक्यू सिमेट्रिक टेंसर है एन डायमेंशनल स्पेस वी के अंदर तब इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स वो सॉरी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एटमोस्ट कितने होंगे N, इसी तरह से इसको आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर आपके पास जो टेंसर है टेंसर है किस ऑर्डर का है सपोज आर ऑर्डर का है किस ऑर्डर का आर ऑर्डर का और साथ में आर ऑर्डर का मैं ले लेता हूं सपोज कोवेरियंट कोवेरियंट स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है ठीक है

सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्री की आप लिख सकते हैं नोट डालकर आप लिख लीजिए नोट नंबर वन इफ ए इसक्यू सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आई एंड जे सपोज विद रेस्पेक्ट टू आई एंड जे तो अगर आई और जे के रेस्पेक्ट में इसक्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब या तो दोनों कॉन्ट्रावेरियंट इंडिसेज हैं या फिर दोनों इंडिसेज़ हैं इन one coordinate system in one coordinate system then then it is skew symmetric with respect to these indices in all coordinate systems. कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ठीक है और स्क्यू सिमेट्रिक है ब्रैकेट में मैंने सिमेट्रिक भी लिख दिया symmetric के लिए भी ये है। यहाँ पर symmetric, और यहाँ पर भी है है? पर पर ठीक और ये जो लिखा हुआ है सिमेट्रिक ठीक है यहीं पर ब्रैकेट में मैंने सिमेट्रिक भी लिख दिया symmetric. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी टेंसर किन्हीं दो इंडिसेज के रेस्पेक्ट में किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक है तो फिर सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या होगा सिमेट्रिक होगा उन दो इंडिसेज के रेस्पेक्ट में इसी तरह से अगर कोई टेंसर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर विद रेस्पेक्ट टू दीज टू इंडीज इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट अगर ए जे कोई भी टेंसर है अगर ए आई जे कोई भी टेंसर है तब इसको हमेशा दो टेंसर के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह से मैं लिख सकता हूं इक्वल टू ए आई जे एआईजे और ये कर दिया मैंने माइनस ए जे प्लस आई कर दिया मैंने आई हाफ और प्लस हाफ ए आई जे माइनस आई माइनस

ए आई जे और प्लस बी आई जे के अगर मैं बी जे आई फाइंड करूं तो आई और जे को इंटरचेंज किया मैंने वन बाई टू ए आई जे और प्लस सॉरी आई है ए जे आई तो ए आई ए जे आई हो गया ए जे आई प्लस ये हो जाएगा ए आई जे और ये वापस किसके बराबर हो गया बी आई जे के बी आई जे बीजेआई इक्वल टू बी आई यानी ये तो क्या बन गया आपका सीमेट्रिक क्या बना सिमेट्रिक अब मैं सी आई जे को देख रहा हूं सी आई जे मैंने किस को माना है सी आई जे इक्वल टू किसके वन बाई टू ए आई जे माइनस ए जे आई के अगर मैं सी जे आई फाइंड करूं आई और जे को इंटरचेंज करके तो ये हो जाएगा ए जे आई माइनस ए आई जे माइनस मैंने बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा यहां पर आप वापिस आपका सी आई जे इसका मतलब जो C.I.J बन रहा है यहां पर ये ये हमारा क्या बन रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी टेंसर आपके पास है उस टेंसर को आप हमेशा दो टेंसर के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जिनमें से एक तो सिमेट्रिक बनेगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी आप मेट्रिक में भी पढ़ते हो कि दो मेट्रिक या कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है उस मैट्रिक्स को हमेशा दो मेट्रिसेज की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिनमें से एक सिमेट्रिक बनेगी और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी ठीक है तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर सिमेट्रिक और इसक्यू सिमेट्रिक टेंसर की प्रॉपर्टीज उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है इससे आगे के लेक्चर में हम एक तो कंजुगिट टेंसर क्या होता है जिसे रेसिप्रोकल टेंसर भी कहते हैं रिलेटिव टेंसर क्या होता है ठीक है उनके बारे में उनकी डेफिनेशंस वगैरह और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग